हो अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। नमस्कार साथियों, मैं आपका फ्रेंड रवि कुमार आज फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। मेरे दोस्तों, कल हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनका पार्ट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था भाई, ठीक है। अब जो ये आज हमारे सामने हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट नंबर सेकंड है। कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट नंबर सेकंड है, ठीक है साथियों। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनको समझने के लिए हम एक बार फिर से कल वाली बात पर जाते हैं। और कल हमने पढ़ा था मेरे दोस्तों कि कंडीशनल सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें थ्री नोट्स जो थे, तीन पॉइंट थे, उनको ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। तो भाई डिटेल में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप कल की वीडियो देखें, ठीक है भाई। तो थ्री पॉइंट्स जो हमारे थे उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था भाई साथियों, वो था प्लेसमेंट को लेकर। किसको लेकर भाई? प्लेसमेंट, वो था दोस्तों प्लेसमेंट को लेकर, ठीक है। अब प्लेसमेंट में क्या था भाई? इफ़ के साथ में। इस प्लेसमेंट में क्या था भाई? इफ़ के साथ में क्या आती है? कंडीशन। और इसको सेपरेट किया जाता है भाई एक कॉमी के द्वारा, और जो रिजल्ट हमारा आता है वो इसके बाद आता है, ठीक है साथियों। इफ़ के साथ में कंडीशन और कॉमी के द्वारा इन दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट किया जाता है, और उधर भी फिर रिजल्ट हमारा आता है। तो ये था प्लेसमेंट को लेकर। इसके बाद हमने कहा था भाई सेपरेशन को लेकर। क्या कहा था साथियों हमने? सेपरेशन को लेकर भाई, दोनों सेंटेंसेस को हम सेपरेट कैसे करें, ठीक है। तो इनकी सेपरेशन को लेकर हम पहले ही बता ही चुके हैं साथियों कि हमारा जो ये कोमा है ये इनको सेपरेट करता है, ठीक है, ये इनको सेपरेट करता है। अगर सेंटेंस को, अगर हम इस सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज का मतलब है कि भाई हम कंडीशन को तो भाई रिजल्ट को तो पहले रखें, कंडीशन को बाद में रखें। तो भाई ये जो इफ़ है ये यहाँ पर फिर कंजंक्शन का काम करता है मेरे दोस्तों, लेकिन इफ़ हमेशा कंडीशन वाले वाक्य के साथ ही रहता है, और ये रिजल्ट फिर क्या होगा भाई? हमारा आगे आ जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। तीसरी बात हमने की थी वो थी दोस्तों टेंस को लेकर, ठीक है। वो किसको लेकर थी भाई? टेंस को लेकर। और यही बात हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब, ठीक है। टेंस को लेकर बात थी। तो भाई क्या था? अगर कंडीशन हमारी आती है भाई इफ़ के साथ जो कि आएगी, सेपरेट कोमा करता है ये, अब हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो हमारा है भाई वो इसके बाद आता है। अब देखो दोस्तों, जो हमारी कंडीशन है अगर वो प्रेजेंट में है भाई, तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा किसके अंदर रहेगा भाई? फ्यूचर के अंदर, ठीक है। मैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन और ऑब्जेक्ट इसके बाद आए, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन पास्ट में है तो भाई इसका सब्जेक्ट प्लस आंसर जो होगा वो किस में आएगा भाई? अब विल नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड। विल का पास्ट वुड, राइट। आज हम सीखेंगे मेरे दोस्तों इससे आगे की जो कंडीशन है भाई, इतना हम कल कर चुके हैं, आप आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। और जिस भी भाई बहन ने मेरा जो चैनल है भाई इस इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आज हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन हमारी है उसके ऊपर हम आते हैं। तो भाई जो तीसरा टेंस हमारा है दोस्तों, ध्यान से समझना भाई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा जो है, अगर हमारा टेंस
पास्ट का परफेक्ट है, अगर हमारी कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है तो हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों वो रहेगा भाई सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव, और हैव के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इस तरीके से ये जो कंडीशन होती है भाई ये क्या दिखाती है हमारी, यस ये क्या दिखाती है भाई, एक अनफुलफिल्ड एक्शन को ये दिखाती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो कंडीशन है हमारी ये अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाती है जो काम कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस आई, पास्ट परफेक्ट टेंस आई, यानी हैड प्लस में थर्ड फॉर्म भाई। ठीक है, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म आए तो आपका जो रिजल्ट होगा किस में होगा, वुड हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म भाई, बात यहाँ तक सेट है। ठीक है, तो हम दोस्तों हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और हम इन सेंटेंसेस को जो क्लियर करेंगे यहाँ वो हम करेंगे भी इन तीन बेसिस के ऊपर, रिप्लेसमेंट, सेपरेशन और टेंसेस। ठीक है दोस्तों, प्लेसमेंट, सेपरेशन और टेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं साथियों, आइए भाई फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट वुड प्रोवाइडेड मेडिसन इट हैड रिमूव्ड द लॉकडाउन। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ़ द गवर्नमेंट वुड हैव प्रोवाइडेड मेडिसन इट हैड रिमूव्ड द लॉकडाउन। तो सबसे पहले हमें क्या पहचानना है भाई, प्लेसमेंट के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कंडीशन और रिजल्ट को पहचानना है। तो कंडीशन इसमें से कौन सी है ये हम लोगों को सबसे पहले जानना है। ठीक है भाई, लॉकडाउन का रिमूव होना यानी लॉकडाउन का ख़त्म होना किसके ऊपर डिपेंड है भाई, गवर्नमेंट के मेडिसिन बनाने के ऊपर, है ना। गवर्नमेंट अगर मेडिसिन बनाती तो लॉकडाउन फिनिश हो गया होता, है ना। तो कंडीशन हमारी क्या है भाई, कंडीशन तो ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है भाई। ठीक है, रिजल्ट ये रहा भाई, अगर ये कंडीशन अगर ये काम होता तो रिजल्ट यहाँ निकल आता, तो प्लेसमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेपरेशन में आते हैं दोस्तों, तो सेपरेशन में इस भी सीधी सी बात है, सेंटेंस को कोमे के द्वारा ही सेपरेट किया गया है और ऐसे ही किया जाता है, ये बात भी ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं भाई हम टेंस में, तो टेंस में यहाँ पर देखें मेरे दोस्तों, इस यहाँ देखो भाई, इस क्या है भाई, प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, तो क्या है साथियों, परफेक्ट टेंस हमारा यहाँ है। क्या है, परफेक्ट टेंस हमारा यहाँ पर है, और अब इस परफेक्ट टेंस के तहत भाई हमने हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इस परफेक्ट टेंस के साथ हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या क्या अभी जो कंडीशन हमारी है ना, इस जो कंडीशन है उसमें से इस वुड हैव को हटाया भाई, है ना। कंडीशन में से हमने क्या हटाया, वुड हैव को हटाया, क्योंकि कंडीशन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे भी, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने क्या किया भाई, हैड और प्रोवाइडेड यहाँ पर पहले से ही सेट है भाई, इसकी सेटिंग पहले से ही हो चुकी है, हैड का ही वेट कर रहा था वैसे ये तो, है ना। तो क्या बना भाई, इफ़ द गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड मेडिसन राइट, तो जो रिजल्ट होगा भाई अब वो रिजल्ट किस में होगा, वुड हैव में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ गए तो वुड हैव में रिजल्ट हमारा होगा। तो हम इस हैड को हटाएंगे यहाँ और क्या रखेंगे साथियों, वुड हैव, वुड हैव और फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से ही है। तो ध्यान से देखना है भाई, ध्यान से देखना है, इस हमने पहले कंडीशन को पहचाना, प्लस इसको रिजल्ट को पहचाना भाई। ठीक है, फिर सेपरेशन को देखा, फिर हम आए बातें हमने की टेंस की, और जब टेंस की बातें हमने पाई तो कंडीशन इफ़ के साथ में हम कंडीशन वाला सेंटेंस लगाते हैं और उसमें क्या आता भाई, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या था, वुड हैव, तो हमने इस वुड हैव को हटाया और हैड यहाँ पर जोड़ दिया। अब रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए भाई, रिजल्ट के लिए चाहिए वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, तो हमने इस हैड को हटाया और वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म रिमूव्ड यहाँ पर पहले से ही है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में आते हैं साथियों, इफ राहुल वुड हैव स्टॉप्ड हिज कार ही हैड सीन मी। ठीक है,
कंडीशन को पहचानना है सबसे पहले। भाई कंडीशन यहाँ पर क्या है, राहुल का कार रोकना और मुझे देखना, या भी राहुल का मुझे देखना और कार को रोकना। देखो दोनों बातें अलग अलग हैं दोस्तों यहाँ, कि एक में तो कह रहा है कि भी राहुल कार को रोककर मुझे देखे, राहुल कार को रोककर मुझे देखे। भाई इस बात में तो कोई लॉजिक नहीं है। हाँ इस ये तो हो सकता है कि भाई राहुल नाम का कोई आदमी वहाँ से जा रहा था और उसने मुझे देखा और वो कार को रोक ले, है ना, वो कार को रोक ले। ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई कि इफ राहुल ठीक है, क्या करना भाई, इफ राहुल हैड सीन मी। अब यहाँ पर गड़बड़ हुई क्या, कि ये जो है ना, ये तो भाई कंडीशन है ना, ये जो है ये तो क्या है, कंडीशन है। अब एक तो देखो तुक्केबाजी अगर करनी है आपको तो सेंटेंस को आप एक तो इस तरीके से ठीक कर सकते हो कि इस यहाँ पे भाई इस कोमे को हटाओ, इस कोमा को हटाओ और यहाँ से इफ को उड़ाओ और इस इफ को यहाँ पर लाकर रख दीजिए। ठीक है, आपकी जो कंडीशन है वो इफ के साथ में आ गई है, एक तो ये बात है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है भाई, या दूसरा फिर आप इसको ऐसे ही रखें भाई, इफ़ को हम एज इट इज़ रखते हैं, राइट। तो हम यहाँ से भाई ये जो हेड है इस, क्योंकि इफ़ ये वाला जो सेंटेंस है भाई कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए कि इफ़ राहुल हैड सीन मी ही वुड हैव स्टॉप्ड हिज कार। यानी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पर, रीऑर्गेनाइज फिर यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को क्या कर सकते हैं दोस्तों, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं भाई, इफ राहुल हैड सीन मी ही वुड हैव स्टॉप्ड द कार। रीऑर्गेनाइज हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा लग रहा है हमें कि जो पहले वाला आंसर है ना वो ज़्यादा खूबसूरत है ना, पहले वाला जो आंसर वो ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है, इसकी वजह क्या है भाई, पहले वाला मैंने क्यों करेक्ट बताया है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह आपको मिलेगी साथियों जब हम इन सेंटेंसेस पर आकर पहुँचेंगे। ठीक है, इन सेंटेंसेस पर जब हम आएंगे तो इसकी वजह हमें मिलेगी। देखो क्योंकि यहाँ पर ये पार्ट्स बनाए गए हैं, है ना, आपके पेपर के अंदर भी पार्ट्स पूछे जाते हैं ए बी सी और डी। अब किसी भी हाल में हम इन पार्ट्स को, है ना, इन पार्ट्स को भी, ये पार्ट्स यहाँ बने हुए जैसे, तो इस वर्ड को यहाँ नहीं ला सकते या इसको यहाँ पर नहीं ले जा सकते। ठीक है, इन पार्ट्स को हटा नहीं सकते यानी। ठीक है, तो हमें पार्ट में ही गलती ढूंढनी होती है, राइट। तो इस सेंटेंस में पार्ट में अगर आप गलती ढूंढते हो तो ये ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन सकता है, राइट। अदरवाइज आप ऑर्गेनाइज करके देख रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, इफ सी हैड प्रिपेयर्ड वेल देन सी वुड क्वालिफाई द एग्जाम। तो पहले कंडीशन पहचानी है भाई, इफ सी हैड प्रिपेयर्ड वेल, तो उसका पेपर की तैयारी अच्छे से करना, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो कंडीशन अपनी जगह ठीक है, रिजल्ट भी भाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना, अपनी जगह वो ठीक है। उनके अंदर जो टेंसेस हैं भाई वो भी बिल्कुल ठीक है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म कंडीशन के अंदर, हेड प्लस थर्ड फॉर्म कंडीशन के अंदर, और रिजल्ट के अंदर वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो भाई ये बिल्कुल बात यहाँ, यस, ये यहाँ पर बात ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो टेंस के अकॉर्डिंग तो आप क्या करोगे इसको भाई, वुड को हटा, क्वालिफाई को हटा के वुड के साथ में क्या यूज़ करोगे भाई, वुड के साथ में आप यूज़ करोगे हैव, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वुड हैव में होगा, वुड हैव, और क्वालिफाई का क्या करोगे, क्वालिफाइड, वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाई सेपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इस सेंटेंस में गड़बड़ है, इस सेपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गड़बड़ है सेंटेंस में, इस देन को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, कॉमा। याद कीजिए भाई लास्ट क्लास जिसके अंदर हमने कहा था कि भाई इस तरीके के वाक्यों में देन या लेटर जैसे वर्ड्स सुपरफ्लूस होते हैं। ठीक है, हिंदी बिल्कुल इनकी परफेक्ट बैठती है, लेकिन आपको हिंदी से रिलेट नहीं करना, इंग्लिश को इंग्लिश में सीखो तो मज़े वाली बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
If it rained heavily, I would have cancelled the meeting. If it rained heavily, I would have cancelled the meeting. Yes, this is very interesting sentence, my dear students. Yes, ladies and gentlemen. ध्यान से देखना भाई. If it rained heavily, I would have cancelled the meeting. Yes, हमने कहा भाई देखो, if it rained heavily, है ना? यहाँ पर जो हमारी है भाई कंडीशन वो किसके अंदर है? पास्ट के अंदर हमारी कंडीशन है, ठीक है भाई? तो पास्ट के अंदर अगर हमारी कंडीशन है तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा भाई? वुड के अंदर आएगा, है ना? वुड के अंदर हमारा रिजल्ट आएगा. तो इस हाउ को हटाओगे, है ना? वुड के बाद कैंसिल की क्या चाहिए भाई हमें? फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो कैंसिल, ठीक है? अब आप कहोगे गुरु जी बात कुछ हजम नहीं हुई, है ना? गुरु जी बात कुछ हजम नहीं हुई, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, अगर मैं उल्टा सोचूं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इसको रिजल्ट को हम एज इट इज रखते हैं और हम इसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बना लें. भाई ऐसा भी तो हो सकता है. हाँ, इसकी वजह का पता चलेगा साथियों आपको यहाँ, राइट? कहाँ पता चलेगा भाई? नीचे. अब किसी भी सूरत में आपको ये देखना है कि कंसीडरेशन जो होता है ना सेंटेंसेस का, भाई देखो ये तो बिल्कुल वैसे तो सेंटेंस ठीक हो सकता है ऐसे भी कि हम इसको एज इट इज रखें, रिजल्ट को एज इट इज रखें और कंडीशन के अंदर हम हेड प्लस में थर्ड फॉर्म कर दें, सेंटेंस ठीक होगा. लेकिन भाई इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, है ना? कंडीशन के ऊपर कंडीशन, शर्तों के ऊपर शर्त है भाई. इसकी भी एक शर्त क्या है, देखो हमारा जो भाई ये यहाँ पर कंडीशन है, ये क्या है भाई? रिजल्ट है, है ना? या इसको अगर मैं कहूँ, इस कंडीशन को हटा देता हूँ मैं, ये हमारा राइट पार्ट है भाई, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है, ठीक है? तो इसकी जो कंसीडरेशन है साथियों वो हमेशा हमेशा कहाँ से होती है भाई? लेफ्ट से राइट की तरफ. इसकी कंसीडरेशन क्या होती है भाई? लेफ्ट से राइट की तरफ इसकी कंसीडरेशन होती है. यानी हम लेफ्ट पार्ट को हमेशा ठीक मानते हैं और राइट जो पार्ट है उसको हमें इम्प्रूव करना होता है भाई. क्या करना होता है साथियों? इम्प्रूव हमें राइट पार्ट को करना होता है, ठीक है? राइट पार्ट को हमें इम्प्रूव करना होता है, राइट? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई. तो अब ठीक हो गई भाई बात अब ठीक है. इफ़ इट रेंड हैवली, ये पार्ट हम बिल्कुल ठीक मानेंगे और इस हेड को यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? If it rained heavily, I would cancel the meeting. है ना? Would have को हटाया आपने, सॉरी इसको have cancelled को हटाया और आपने cancel यहाँ लिख दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भाई. अब sentences आपके ये आ गए भाई कि चार चार आपके सामने options हैं, है ना? You have got four options and out of four alternatives, You are to choose only one. आपको ये देखना है भी किस पार्ट के अंदर गलती है, ठीक है? किस पार्ट के अंदर गलती यहाँ है? देखो भाई, if Seema helps my friend, she would thank her. If Seema helps my friend, अब इस सेंटेंस की जो वजह थी ना साथियों, ये जो सेंटेंस है उसकी वजह यहाँ पता चलेगी आपको. If Seema helps my friend, See, he would thank her. तो आपको क्या करना है भाई? इस पार्ट को हमेशा मीन्स लेफ्ट को हमेशा क्या करना है? राइट मानना है. लेफ्ट इज राइट, है ना? लेफ्ट को हमेशा ठीक मानना है और जो भी इम्प्रूवमेंट आपको करना है वो कहाँ करना है भाई? राइट में, है ना? तो यहाँ पर सीमा के साथ में हेल्प्स है भाई, यानी प्रेजेंट सेंटेंस है. तो विल के अंदर आंसर होगा. यहाँ पे क्या दिया भी? वुड. तो क्या होगा साथियों? विल. क्या बना? इफ सीमा हेल्प्स माय फ्रेंड, ही विल थैंक हर. आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़िए. इफ आई न्यू हर एड्रेस, ये दा नहीं है भाई यहाँ. इफ आई न्यू हर एड्रेस, आई विल टेल यू. तो फिर बात वही है भाई, लेफ्ट को ठीक मानो, ठीक है? लेफ्ट में क्या है भाई? कंडीशन किस में है? पास्ट में है,
पास्ट में है तो रिजल्ट किस में आएगा भाई, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन यहाँ किस में दे रखा है रिजल्ट, विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म में, तो विल को हटाओगे तो क्या करोगे, वुड। ठीक है भाई, मज़े कर रहे हो, सीख रहे हो, इस सीखना और समझना भाई जान लगा कर बिल्कुल। ठीक है, यहाँ कोई तुक्केबाजी हम आपको नहीं सिखाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हम बिल्कुल आपको स्टिक आंसर पर ले जाएंगे, राइट। अब जो फिलिप्स होते हैं ना बेटा, फिलिप्स होते हैं वो तो बड़े ईजी होते हैं, उनमें क्या करना होता है भाई, यहाँ से किसी भी एक, या तो इधर से हटा देगा, इधर ब्लैंक दे देगा, या भाई इधर ब्लैंक दे देगा। ठीक है, अगर इधर ब्लैंक देता है तो उधर से रिजल्ट को देख के आप यहाँ भर सकते हो कंडीशन। ठीक है, इधर कंडीशन दे दी, उधर अगर ब्लैंक दे दिया तो कंडीशन को देखो, ब्लैंक फिल कर दीजिए। ठीक है, यस सही है भाई, बस वो तो यहाँ से होगा भाई, पास्ट है कंडीशन में, इधर ब्लैंक दे दिया तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिजल्ट तो दे रखा है लेकिन कंडीशन पूछ रखी है, और रिजल्ट के अंदर विल है तो आपको पता है फिर भाई प्रेजेंट टेंस आएगा, वुड है तो पास्ट टेंस आएगा, वुड हैव है तो भी परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट टेंस आएगा। तो कोई यहाँ पर तो कोई दो राय नहीं है ना, कर लिया जाएगा ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इफ़ नैन्सी इज़ राइटिंग अ लेटर, इफ़ नैन्सी इज़ राइटिंग अ लेटर सी विल नॉट टेल मी, यस। अब आपको कुछ अजीब लग रहा होगा भाई, हर सेंटेंस के अंदर अभी तक तो या तो प्रेजेंट आ रहा था मीन्स इनडेफिनेट टेंस आ रहा था, या भी पास्ट आ रहा था इनडेफिनेट, या फिर आ रहा था भी आपका पास्ट का परफेक्ट, है ना, या रहा था आपका पास्ट का परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया भाई, इट्स राइटिंग, तो भाई घबराना नहीं है, घबराना नहीं भी इफ़ के साथ भाई, जो भी आपकी कंडीशन है, यस कंडीशन वो किसी भी पास्ट में हो सकती भी, एनी टेंस ऑफ प्रेजेंट, मतलब किसी भी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट बोलूँगा वेरी सॉरी फ्रेंड्स, सेपरेशन के लिए कोमा कीजिए, है ना, कोई भी टेंस हो चाहे प्रेजेंट का, आगे हमेशा जो आंसर आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वी वन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें रहेगा भाई, चाहे प्रेजेंट का यहाँ कोई भी टेंस हो, ठीक है, विल और फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, चाहे पास्ट का कोई भी टेंस हो कॉन्टीन्यूस। ठीक है, यस क्या है भाई, कॉन्टीन्यूस लेकिन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो, इन दो टेंसेस का आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर क्या होगा भाई, वुड में आंसर होगा परफेक्ट नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यस देखो इसका रीज़न क्या है भाई, हम एक टाइमलाइन बनाते हैं दोस्तों, ये हमारा रहा यहाँ प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन रखते हैं तो भाई वो फ्यूचर में जाके, क्योंकि देखो इधर तो फ्यूचर है और इधर क्या है, पास्ट है। अगर कोई भी अगर हम कंडीशन रखते हैं प्रेजेंट में तो भाई उसकी उम्मीद है कि वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी, है ना, फ्यूचर में हम कंडीशन रखें, फ्यूचर में अगर हम कंडीशन रखें तो भाई वो कौन सी फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगी, तो इसका मतलब फ्यूचर में कभी भी कंडीशन को नहीं रखा जाता। लेकिन अगर हम पास्ट में कंडीशन रखें, यस पास्ट में कंडीशन रखें, तो एक तो ये हो सकता है कि भाई ये यहाँ पर जाकर कर कंप्लीट हो, तो भाई ये वाली बात हो गई। ठीक है, ये वाली बात हो गई। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये प्रेजेंट में ना, पास्ट के ही किसी टाइम में जाकर ये कंप्लीट यहाँ हो जाए। ठीक है, हो जाए, तो भाई ये तो फिर इस प्रेजेंट से जब रिलेट करोगे तो ये तो सिंपल पास्ट है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हो और इस पर ख़त्म हुआ, है ना, इधर कहीं भी आ जाओ प्रेजेंट से, इधर पास्ट है सब, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ पर ख़त्म हुआ तो भाई यही बात है। ठीक है, लेकिन इस पास्ट में, पास्ट से भी जो पहले पास्ट है वो क्या है भाई, इस पास्ट परफेक्ट, अगर यहाँ आपका काम स्टार्ट होता है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपका काम ख़त्म होता है तो भाई पास्ट की कंडीशन हमेशा आप क्या कह सकते हो भाई, दो होती है, इसलिए ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना भाई, ये वाला है, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, यहाँ परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो कोई भी टेंस यहाँ पर हो भाई प्रेजेंट का, आगे विल ही रहेगा। बढ़ो भाई, इफ़ नैन्सी इज़ राइटिंग अ लेटर सी विल नॉट टेल मी, भाई कंडीशन है
अगर वो लेटर लिख रही होगी, ठीक है, लिख रही है तो वो मुझे नहीं बताएगी भाई। बिल्कुल सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस क्या आपका ठीक है। यस, पहले वाले सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस गलत था भाई? यस, कौन सा पार्ट गलत था आपका? ए और बी, ये बी वाला पार्ट गलत था। दूसरे में कौन सा था? ये ए आपका पार्ट रहा भाई, ये आपका बी पार्ट रहा, और फिर यहाँ पे क्या था? सी पार्ट। तो ये सी पार्ट आपका आंसर था, है ना, इसमें गलती थी। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पार्ट आपका ठीक है, कोई भी गलती सेंटेंस में नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, इफ़ रोहित हैज़ फिनिश्ड हिज डिनर ही विल इन्फॉर्म मी। उन पॉइंट्स को देख लीजिए, सब ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से देख लेना आप लोग, वो ठीक है। बात यही है भाई जो कहने की है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, एनी टेंस हो प्रेजेंट, ठीक, कोई भी टेंस हो भाई, किस में आगे क्या आएगा रिजल्ट के अंदर? विल, ठीक है, कंडीशन में कोई भी टेंस हो प्रेजेंट का, रिजल्ट में क्या आएगा? विल और फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, इफ़ आई हैड फाउंड द बुक्स आई वुड टोल्ड यू। ध्यान से देखो भाई, इफ़ आई हैड फाउंड द बुक आई वुड टोल्ड यू। भाई पहले टेंसेज नहीं देखना है, सबसे पहले आपको देखना है प्लेसमेंट। अगर मुझे बुक मिल जाती तो ही मैं आपको बताता, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस, अगर बुक मिलती तो ही बताता। तो कंडीशन क्या है बुक का मिलना, और रिजल्ट क्या है भाई उसका? रिजल्ट क्या निकला? मैं तुमको बताता, है ना। तो प्लेसमेंट तो बिल्कुल ठीक है, प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, इफ के साथ में कंडीशन है, आगे क्या है भाई? रिजल्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। सेपरेशन देख रहे हैं अभी, सेपरेशन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं भी, कोमा आ गया, बिल्कुल ठीक है। टेंस की गलती देखते हैं भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वुड हैव में होना चाहिए हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किस में दिया है? वुड में, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है कि भाई यहाँ पर आपका साथियों क्या आएगा भाई? हैव, ठीक हैव तो आना है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और कर दी, यहाँ दिक्कत यहाँ पर और क्या करती? दिक्कत ये कर दी कि एक ऐसी जगह यहाँ पर सेंटेंस को डिवाइड किया, एक ऐसी जगह से सेंटेंस को डिवाइड किया कि हम वुड के साथ में हैव को डालें या भाई यस इसके बाद हैव को डालें। सोच कर देखना भाई, यस दिमाग को हिला देंगे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपकी बात है मेरे दोस्तों, वो ये काम आती है कि भी लेफ्ट को ठीक मानो और राइट में इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है। तो लेफ्ट में हमारे क्या, अभी जितना मान लो हम यहाँ से चलेंगे तो लेफ्ट, ये तो लेफ्ट ही रहेगा ना, है ना, लेफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आगे? राइट। तो इसमें या आप ऐसे भी कह सकते हो भाई, इस ब्लैंक के बाद आगे करना है भाई, पीछे घूम कर नहीं आना है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते यहाँ से, इस पार्ट में गलती है यहाँ, ठीक है। तो जो हैव है आप उसको कहाँ जोड़ोगे भाई? यहाँ जोड़ोगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी आ रहा है, आप सीख भी रहे हैं, ठीक है, और ऐसे कंसेप्ट आपके सामने आ रहे हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं भाई, हैड आई फाउंड द बुक्स आई वुड हैव टोल्ड यू, राइट। अब ये सेंटेंस देखो, इसमें कहीं इफ़ वगैरह कुछ नहीं है, सर क्या कंडीशन है क्या नहीं है, हमें तो नहीं पता गुरुजी, हम तो बेहोश हो गए इसको देखकर, है ना भाई, बेहोश हो गए हो? यस, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर तब तक मैं ये कैप उठा लेता हूँ। यस, फिर से देख लीजिए भाई, हैड आई फाउंड द बुक्स आई वुड हैव टोल्ड यू, क्या करोगे इसके अंदर? यस, इसके अंदर क्या करोगे भाई? इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ से एक बार मिटा लेता हूँ, यस थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ एक बार, इस सेंटेंस को बड़े प्यार से करेंगे भाई, हम इस सेंटेंस को बड़े ही प्यार से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। यस, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस देखो, ये दोनों एक ही सेंटेंस है भाई, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है साथियों, ये ठीक है बिल्कुल ठीक, कैसे हो मैं बताऊँगा आपको। ये फर्स्ट सेंटेंस जो नाइन्थ नंबर है वही टेंथ है, सेंस दोनों की एक जैसी है, ठीक है। अगर आपका देखो कंडीशन इफ के साथ भाई यहाँ क्या आ गया? इस इफ के साथ में क्या आ गया भाई? हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म,
और आगे जो भी है वही वो रिजल्ट है ना, यानी वुड हैव। चलो मैं कर ही देता हूँ वुड हैव, इससे हमें लेना देना नहीं है। वुड हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं साथियों, ठीक है, जो जो सेंटेंसेस उलट कर लिखे जा सकते हैं, ठीक है, और इस उलट कर लिखने को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इन्वर्सन। क्या बोलते हैं भाई? इन्वर्सन। क्या लिखते हैं? इन्वर्सन, ठीक है, इसको हम लिखते हैं इन्वर्सन। अब इस इन्वर्जन के तहत हमको क्या करना होता है? इन्वर्जन के तहत हमको क्या करना होता है भाई? यस, यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना भूल गया भाई। इन्वर्जन के तहत हमें क्या करना होता है भाई? सबसे पहले हम इस हेड को उठाते हैं और इसको आगे रखते हैं। हेड को उठाया हमने, इसको कहाँ रखा? आगे रख दिया, ठीक है। अब ये जो इफ़ है ये अपने आप में यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इफ़ का कोई रोल नहीं रहा भाई। हेड को रखा आगे, फिर रखा हमने सब्जेक्ट को, और फिर रखा भाई थर्ड फॉर्म को, और सेपरेशन के लिए वही कॉमा, और आगे का जो सेंटेंस है रिजल्ट वाला वो एज इट इज़ है, किसमें? वुड हैव और थर्ड फॉर्म में। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, ये जो इन्वर्जन है ना, ये जो इन्वर्जन है भाई, ये जो इन्वर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में जब कंडीशन हो उसी के साथ अलाउ है सिर्फ, ठीक है, तभी संभव है। इस फिर से ध्यान से देख लीजिए भाई, पास्ट परफेक्ट अगर हमारा है तो उसके साथ इन्वर्जन पॉसिबल है भाई। बाकी के प्रेजेंट या पास्ट में कंडीशन हो, सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, या किसी भी प्रेजेंट में, तो हमारा जो इन्वर्जन है वो नहीं होगा, राइट। तो इस सेंटेंस को भी हमने इस तरीके से लिखा, इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये इस तरीके से। इधर हम बात नहीं कर रहे, हेड को सबसे पहले उठाओ, सबसे पहले हेड को उठाओ, फिर भाई इस सब्जेक्ट को हेड के बाद यहाँ रखो, और थर्ड फॉर्म बेचारी पहले से ही सेटिंग की हुई है हेड के साथ में, है ना। यस, बस वो तो आगे पीछे हो गए हैं, आगे यूं का यूं। तो